अजीज तलबा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज आप पेज नंबर 129 और 123 पर निकालें। सबसे पहला पॉइंट है करारदाद मकासद कब मंजूर हुई, ये दालजिस पर निशान लगाएं 1949। दूसरा है मशरकी पाकिस्तान की आबादी कुल आबादी का कितने फीसद थी, बेजिस पर निशान लगाएं 56%। तीसरा है छह नुकाती फार्मूला किसने पेश किया, अलिफ जिस पर निशान लगाएं मुजीबुर रहमान ने। मशरकी पाकिस्तान एक अलग वतन बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर कब नमूदार हुआ, ये पेज जीम जिस पर निशान लगाएं 1971। आगे सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद याहिया खान ने 1970 के इंतखाबात कराने के लिए एक आइनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क आर्डर का ऐलान किया, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद थी, बेजुस 313। क्याम पाकिस्तान के बाद किस जबान को कौमी जबान करार दिया गया, ये आप दालजुस पर निशान लगाए उर्दू को। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से किस सियासी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, जेम जूस पर निशान लगाएं पीपल्स पार्टी ने। जनरल मोहम्मद याहिया खान ने कब हुकूमत संभाली, अलिफ जूस मार्च 1969 में। सदर अयूब खान ने ज़राई इस्लाहात का कब ऐलान किया, सदर अयूब खान दोबारा ये सवाल सुन लें कि सदर अयूब खान ने ज़राई इस्लाहात कब बेज पर जूस पर निशान लगाए थी 1959 में। दूसरे पांच साल तरक्याती मंसूबे का दौरानिया है 1960 से 1965 तक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तासमादा किसकी मदद से हुआ, दालजुस पर निशान लगाएं आलमी बैंक की मदद से। 1956 का आइन कितनी देर तक नाफिज रहा, जीम जूस पर निशान लगाएं 2 साल 7 माह तक। अगला पॉइंट है किसी पसमानदा मैशत का तरक्की याफ्ता मैशत की तरफ गमजान होना कहलाता है, जीम जूस माशी तरक्की। अक्वामे मुतहिदा की कोशिशों से 1965 की जंग बंद हुई, दालजुस पर निशान लगाएं 23 सितंबर 1965 को। अगला पॉइंट बुनियादी जमहूरियतों के मेंबरान की कुल तादाद थी जी 80,000, जीम जूस पर निशान लगाएंगे जी।